इंडियन गाथा में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसी जानकारी जिसको जानकर आप अचंभित भी होंगे और गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। पानी में तैरते हुए घर, होटल और दुकान, इन सब के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी में तैरता हुआ एक डाकघर भी है? जी हाँ, और ये डाकघर दुनिया का इकलौता ऐसा डाकघर है जो पानी में तैरता है। तो चलिए जानते हैं कुछ डिटेल्स इस पानी पर तैरने वाले डाकघर के बारे में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये डाकघर कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने हिंदुस्तान में ही है। जम्मू कश्मीर में है ये तैरने वाला डाकघर, जो अपने आप में अनूठा है। जम्मू कश्मीर में जहाँ शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, वहीं श्रीनगर में डल झील के किनारे बना ये तैरने वाला डाकघर रात को भी खुला रहता है। लगभग 9-10 साल पहले तक ये डाकघर बहुत बुरी कंडीशन में था, लेकिन इस डाकघर की काया पलटी पोस्टमास्टर जनरल जॉन सैमुअल के आने से। जॉन सैमुअल ने आते ही पोस्ट ऑफिस की साफ सफाई और रंग रोगन का इंतजाम किया। सैमुअल के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज यह डाकघर पर्यटन केंद्र के रूप में उभर चुका है और कश्मीर के 1700 कार्यरत डाकखानों में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इस डाकखाने को दूसरा स्थान मिला है। कश्मीर के पॉपुलर डल झील में स्थित इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में वैसे तो सभी काम दूसरे सामान्य पोस्ट ऑफिस की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो दूसरे डाकघरों से अलग होते हैं। जैसे इस डाकखाने की मुहर पर तारीख और पते के साथ शिकारा खेरह नाविक की तस्वीर बनी होती है। ये पोस्ट ऑफिस वैसे है तो अंग्रेजों के जमाने का, लेकिन इसे नया नाम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस साल 2011 में मिला। पहले इसका नाम नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था, लेकिन 2011 में तत्कालीन चीफ पोस्टमास्टर जॉन सैमुअल ने इसका नाम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस रखवाया। अगस्त 2011 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तत्कालीन केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री सचिन पायलट ने इसका उद्घाटन किया। जिस हाउस बोट में ये पोस्ट ऑफिस है उसमें दो कमरे हैं, एक में पोस्ट ऑफिस है और दूसरे कमरे को स्टोर के रूप में यूज करते हैं। डल झील के हाउस बोट में रुकने वाले सैलानी और वहां घूमने वाले पर्यटक अपनी डाक इसी पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं। आमतौर पर इस पोस्ट ऑफिस में काम सुचारू रूप से चलता रहता है, लेकिन साल 2014 में बाढ़ के दौरान ये डाकघर भी मुसीबत से घिर गया था। राहत व बचाव कर्मियों को इस पोस्ट ऑफिस को एक जगह बांधना पड़ा था। बाढ़ थमने के बाद फिर इसे दोबारा डल झील में वापस लाया गया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आजादी के वक्त देश भर में 23,344 डाकघर थे, जबकि आज पूरे देश में 1,55,000 डाकघर हैं और भारतीय डाक प्रणाली विश्व में पहले स्थान पर है।